अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है और उस वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके और ये चेक करना है कि क्या ये जो वैल्यूज़ गिवन है क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है या नहीं है। अच्छा, ये जो इक्वेशन जो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है जैसे जीरो है, ये एक्स की वैल्यू होती है, जो सेकंड वैल्यू है वो वाई की वैल्यू है। इसी तरीके से ये एक्स है और ये वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स की वैल्यू और वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करके और चेक करेंगे कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर और वैल्यू हमारे पास गिवन है जीरो एंड टू। अच्छा, x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, जीरो, तो यहाँ पे मैंने लिखा जीरो माइनस टू, y की प्लेस पे क्या रखेंगे टू इज इक्वल टू फोर। अब ये आ गया आपके पास जीरो माइनस टू टू जा फोर इज इक्वल टू जीरो, जीरो में से माइनस फोर करोगे माइनस फोर इज इक्वल टू फोर। अब देखो ये माइनस फोर है, ये प्लस फोर है, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो है जीरो और टू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट, इक्वेशन आपको यही लेनी है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। अब इसमें जो वैल्यू गिवन है, अब आपके पास है टू एंड जीरो, अब एक्स की प्लेस पे टू रख दो माइनस टू, वाई की प्लेस पे जीरो इज इक्वल टू फोर, टू माइनस टू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ गया, ये फोर, टू में से जीरो माइनस करोगे टू इज इक्वल टू फोर, इक्वल नहीं आया। इट मीन्स ये भी जो है आपका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, वैल्यू अब आपके पास गिवन है फोर एंड जीरो, एक्स की प्लेस पे फोर रख दिया माइनस टू इंटू में वाई, वाई की प्लेस पे जीरो इज इक्वल टू फोर, फोर माइनस टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो इज इक्वल टू फोर, फोर में से जीरो माइनस करोगे फोर इज इक्वल टू फोर, इट ये इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ये जो आपका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, फोर एंड जीरो। नेक्स्ट और चेक करते हैं, एक आपके पास है फोर्थ पार्ट, इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, तो एक्स, एक्स की प्लेस पे क्या रखना है, अच्छा वैल्यू हमारे पास गिवन है अंडर रूट टू और ये है फोर अंडर रूट टू, एक्स की प्लेस पे आप क्या रखोगे अंडर रूट टू माइनस टू और यहाँ पर वैल्यू आ गई फोर अंडर रूट टू इज इक्वल टू जी फोर, अंडर रूट टू माइनस टू फोर जो एट अंडर रूट टू इज इक्वल टू फोर। अब यहाँ देखो ये रूट एट रूट टू है और ये वन रूट टू है, इसमें से एट में से वन माइनस कर दो माइनस सेवन रूट टू इज इक्वल टू फोर। अब ये दोनों सेम नहीं आया, नॉट इक्वल है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से हम किसी भी इक्वेशन में अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट करके और फिर चेक कर लेंगे कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के तो वो सॉल्यूशन होता है।